इसका मतलब है ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, तो यानी कि आपको रैंकिंग सीखनी पड़ेगी। अब रैंकिंग का फायदा क्या है, मैं यहाँ पे आपको एनालिटिक्स में लेके जाता हूँ, तो यूट्यूब सर्च में आ जाती है। दोस्तों अगर कोई भी इंसान यूट्यूब पे आना चाहता है, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है, तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो उसका है ना पहला, वो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है ना अपने YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो हमने कई सारे YouTube चैनल रन किए, अभी हाल फिलहाल की बात करें 1 जनवरी 2024 को हमने एक YouTube चैनल खड़ा किया, इसरार अर्निंग, और इस पे आप देख सकते हो बहुत कम वीडियो के साथ हमने यहाँ पे 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर गेन कर दिए। इसका मतलब है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर भी गेन किए होंगे। इसरार मलिक YouTube चैनल है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, इसका मतलब हमें पता है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। और टेक्निकल इसरार YouTube चैनल पे ये वीडियो देख ही रहे हो आप, इसका मतलब है हमें बिल्कुल पता है कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर ला सकते हैं। तरीका मैं इजिली आपको बता सकता हूँ, बट उसके लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। बट 1000 सब्सक्राइबर से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ बातें होती है जो आपको जानना पड़ेगा। याद रखना अगर आपको शुरू के 100 सब्सक्राइबर अगर आपको अच्छे मिल जाए तो 100 से 1000 सब्सक्राइबर कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको सीधा बात क्या करनी है, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी चाहिए। अरे भाई पहले 100 सब्सक्राइबर अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसकी, 1000 सब्सक्राइबर हम कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या है यूट्यूब शॉर्ट्स। अगर आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे। देखो मैंने ये यूट्यूब चैनल इसरार अर्निंग का, इस पे अगर वीडियो देखोगे तो मैंने इस पे पहले कुछ और वीडियो डाल रखी थी, उससे मैंने इस यूट्यूब चैनल पे 1000 क्या 10-15 हजार बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन किए। उसके बाद मैंने अपना कंटेंट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और अगर आप देखने की कोशिश करोगे दोस्तों यहां पे जो मेरा व्यूज है वो बढ़ भी रहा है। हालांकि इस पे जो 1000-2000 व्यूज आता है वो 2 दिन के बाद आता है, बट रिसेंटली मैं अभी कोई वीडियो डालता हूं तो नोटिफिकेशन कम जाता है। दोस्तों यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो से सब्सक्राइबर गेन करना काफी टफ है, शॉर्ट वीडियो आप 10 से 50 वीडियो को पब्लिश करो, डेफिनेटली आपको 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। याद रखना चाहे लॉन्ग से सब्सक्राइबर आपके 1000 आ रहे हैं, चाहे आपके शॉर्ट से आ रहे हैं, दोनों इक्वली माने जाते हैं मेरे भाई। पर यह बात है कि शॉर्ट से जल्दी सब्सक्राइबर आपको मिल जाता है, यानी कि शॉर्ट बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। उसके बाद यह बोला है अपलोड हाई क्वालिटी कॉन्टेंट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने क्या लिखा है अपलोड हाई क्वालिटी कॉन्टेंट, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ये 2017 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, ये 22 नहीं है मेरे भाई, ये है 2024। और इस टाइम 2024 में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी में कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो, काफी सारे बड़े यूट्यूबर भी बोलते हैं, आपने सुने होंगे कि मेरे पास ये मोबाइल था, पुराना मोबाइल था, पुराना ट्राइपॉड था, मैंने इसी से काम चलाया। भाई वो दिन चले गए मेरे दोस्त, वो दिन चले गए, अब 2024 का जमाना है, अब क्वालिटी कंटेंट दोगे तो उसी का देखा जाएगा। अब पहले जो है ना, पहले जरूरत थी इंसान को, अभी भाई अगर आप जो है ना क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहा तो आपके जैसा और कोई दे रहा है, तो इसका मतलब है मोबाइल को भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो ऐसा मोबाइल लो जिसमें क्वालिटी कंटेंट दिखे आपको, कैमरे की क्वालिटी सही दिखे होनी चाहिए, एक्सपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी बहुत फोकस करना चाहिए, चाहे आपका माइक है, चाहे आपका यहाँ पे वीडियो क्वालिटी है, चाहे कैमरा है, चाहे आईफोन है, चाहे आपका मोबाइल फोन का कैमरा है, कुछ भी है, पर आपको क्वालिटी, हाई क्वालिटी कॉन्टेंट आपका चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे यहाँ पे ऑप्शंस की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने चाहोगे अट्रैक्टिव थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल का मतलब यह है कि जब आप कोई भी वीडियो को पब्लिश करते हो सबसे पहले थंबनेल ही देखा जाता है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बेस्ट थंबनेल होता है। अगर आप सही से एक व्यूअर के लिए भी, कंटेंट क्रिएटर के लिए भी, व्यूअर के लिए भी, कंटेंट क्रिएटर अगर अच्छा थंबनेल बनाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है दूसरे बंदे उसको अच्छे से देखने कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप जो है यहाँ पे व्यूअर है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितनी सारी वीडियोस आपके पास आती है, तो आप क्या देखते हो, फेस देखते हो, आप देखते हो थंबनेल। तो देखो अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, मैंने क्या लिखा, डैड चैनल 101% ग्रो, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, डैड चैनल लगा दिया, मैंने अर्निंग लगा दी, मैंने यहाँ पे सारों के एरो के निशान नीचे है, इसका मतलब मेरा जो चैनल है वो डाउन जा रहा है, और मैंने अट्रैक्टिव थंबनेल लगाया है। अब इसका मतलब ये है, देखो मेरा यहाँ पे इमोशनल भी देखना आप, देखो ओ तेरी डैड हो गया, तो इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो पर थंबनेल सही नहीं बना रहे हो तो भाई आपका यूट्यूब नहीं चलने वाला। आज का 2000
2024 का जमाना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अब आपके अच्छे थंबनेल आने चाहिए। अच्छे थंबनेल आप बनाओगे कैसे, उसके लिए आप कैनवा का इस्तेमाल करते हो। आजकल मैं कैनवा करता हूं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर आप पिक्सल लैब है, जो मैं अभी तक बनाते बनाते आया हूं, ठीक है। तो आप भी पिक्सल लैब एंड्रॉयड में भी है, साथ ही साथ ये आपको एप्पल में भी मिल जाएगा, और या फिर आप पीसी में जा सकते हो किसके, कैनवा के साथ में। इससे मैं थंबनेल बना रहा हूं। अब यहां पे दूसरी बात है हैशटैग। देखो अगर आप शॉर्ट में वीडियो पब्लिश कर रहे हो तो भाई हैशटैग बहुत जरूरी है। हैशटैग 4-5 में हैशटैग आपको बताता हूं। हैश शॉर्ट्स, हैश वाईटी शॉर्ट, हैश वाईटी शॉर्ट्स यानी कि एस के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको हैश, जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल इसरार, तो आपको हैश टेक्निकल इसरार लिखना है। उसके बाद जो आपके चैनल का नाम है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे अर्निंग का है, हैश अर्निंग लिख दो, ठीक है। बेस्ट हैश बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन। तो अगर आप अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हो तो शॉर्ट्स में जो हैशटैग लगते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन लगा दूंगा कि कौन कौन से आपको टैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। देखो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताना पड़ेगा कि आपकी जो वीडियो है वो किसके हिसाब से है। आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन और कुछ लिखते हैं, टाइटल और कुछ लिखते हैं। भाई ऐसा नहीं, आपको थंबनेल पे जो लिखा हुआ उसी से मिलता जुलता आपको टाइटल लिखना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूं, जनरली जब मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक टाइटल मैंने लिखा इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लिखा इंस्टाग्राम रील मोनेटाइजेशन 2024। उसके बाद मैंने तीसरा लिखा रील से पैसे कैसे कमाए, और यहां से ये कमाइए, देखो यहां पे ये आ गया। ये मैंने पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में सेम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रैंकिंग सिस्टम है वो बढ़ती है। कोई सर्च करेगा इंस्टाग्राम से पैसे कमाए तो ये तब भी रैंक करेगा, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया ये भी यहां पे है इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन 2024, ये भी यहां है। इसका मतलब ये है कि आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है जब आप इस तरह से काम करोगे। देखो यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में कोई नहीं बता सकता, बट जिस तरह से हम वर्किंग करते हैं हमें पता रहता है कि यार अगर मैं ऐसे कीवर्ड्स डाल रहा हूं तो शायद मेरी जो वीडियो है वो अच्छी चले। तो ये मैंने ट्राई किया था, अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपकी वीडियो यहां पे अच्छे से बूस्ट करे, अच्छे से वायरल हो। ये काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। अब यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको SEO सीखना पड़ेगा। देखो YouTube शॉर्ट्स में SEO की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ अगर आप लॉन्ग वीडियोस पब्लिश कर रहे हो तो आपको बहुत जरूरत है किसकी, SEO की। SEO का जो मतलब होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपको रैंकिंग सीखना पड़ेगा। अब रैंकिंग कैसे सीखा जाएगा, काफी सारे लोग डर जाते हैं यार SEO क्या पार्ट है, यार रैंकिंग क्या होती है। मेरे भाई सिंपल सी बात बताता हूं, ये थंबनेल आप जरा देखो, ये वाला ये क्या है, सारे ग्रीन कलर है इसमें, इसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप स्क्रीनशॉट देखो, एक भी टैग्स रैंक है नहीं है, है तो नहीं कोई भी, शायद अगर होगा तो चैनल का लिंक वगैरह, चैनल का नाम वगैरह से रैंक होगा, नहीं तो सारे बिल्कुल मंदबुद्धि पड़े हैं। और एक स्क्रीनशॉट देखो, इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी जो रैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे मतलब ग्रीन कलर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो यानी कि आपको रैंकिंग सीखनी पड़ेगी। अब रैंकिंग का फायदा क्या है, मैं यहाँ पे आपको एनालिटिक्स में लेके जाता हूँ, तो यूट्यूब सर्च में आ जाती है, या फिर अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर वीडियो मिलेगी, इसी को हम रैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो रैंकिंग सिस्टम आपको लिए समझना बहुत जरूरी है। तो आप SEO सीखो, अगर आप YouTube पे आप आ रहे हो, YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हो तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज अगर किसी की भी अधूरी रह जाती है, वो YouTube पे 1-2 साल 3 साल काम करता है, आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बंदा वही पढ़ पाता है जो अच्छे से सीखता है। तो आप सबसे पहले अच्छे से सीखिए, उसके बाद काम करना स्टार्ट करिए, यानी कि SEO आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं, मान लिया आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना दिया, आपने वीडियो 10-15 वीडियो अपलोड कर दी, साथ ही साथ आपने क्या किया, थंबनेल भी अच्छे बनाने लग गए, आपको बेसिक नॉलेज भी हो गई, तो आपको जो है ना जिस तरह से आपके चैनल का नाम है उसी तरह से आप भी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे आप जो है ना अपने सोशल लिंक ऐड करिए। कैसे लिंक ऐड करते हैं, ये मेरा इसरार अर्निंग का चैनल है, ठीक है, इसके मेरे सोशल लिंक सारे मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हो, इसरार अर्निंग, इसरार अर्निंग, इसरार अर्निंग, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी है, साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है, सारे लिंक मैंने ऐड कर रखे हैं। और जो वीडियो आप पब्लिश कर रहे हो यूट्यूब पे, वही वीडियो आप
टेलीग्राम चैनल भी बनाइए, फेसबुक पे भी पब्लिश करिए, क्या पता आपकी वीडियो कहाँ से वायरल हो जाए। एक बात और जरूर है कि एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल जरूर से होगी अगर आपको ये सब नॉलेज का पता होगा। देखो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी वीडियो को जो है ना शेयर नहीं करना चाहिए, ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाता है। मेरे भाई सारी नहीं करो, आप 10 वीडियो में से 3 वीडियो ऐसी लो जो आपको हर बार शेयर करनी है। अगर वो आपने शेयर करनी स्टार्ट कर दी तो क्या होगा कि वो वीडियो तो आपकी रैंकिंग में अटेंडेंस लग जाएगी। मतलब अगर मैंने आपको वीडियो को शेयर किया, आपने उस पर क्लिक करके आपने वीडियो पे कमेंट कर दिया या फिर सब्सक्राइब कर दिया या फिर वो वीडियो देख ली, उसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँगा तो आपको ब्राउज फीचर में, होम पे, सजेशन में या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको रिकमेंडेशन में कहीं ना कहीं दिख जाएगी। यानी कि आपको वीडियो शेयर करना भी जरूरी है। पुराने मेथड पुराने हो चुके हैं, अब नए मेथड है 2024। अगर आप अब अपनी वीडियो को शेयर भी करते हो तो इसका मतलब आपकी वीडियो कोई रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये सब अफवाह है, मिथ है। आप अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर इस तरह से आप काम करोगे बेसिक नॉलेज के साथ तो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर क्या, आपके 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। अब आपको करना क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं। देखो जो मैंने शुरुआत के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे वो इस वजह से किए थे, जो भी मेरे फ्रेंड थे फेसबुक पे उनको मैंने पर्सनली अपना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया। उनको मैंने बताया भाई मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद 100 सब्सक्राइबर हो गए। मैं वीडियो को पब्लिश करता हूं तो मेरे 100 सब्सक्राइबर पे 20-30 व्यूज आने स्टार्ट हो गए। फिर वो वीडियो मेरी वायरल होती गई, फिर मेरे 500 हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर 2000 हो गए, 10,000 हो गए, फिर 50,000 हो गए, फिर 1.5 लाख हो गए, फिर 2 लाख हो गए, फिर 3 लाख हो गए, अब 3.5 लाख भी हो गए और कभी ना कभी 4 लाख भी हो ही जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होता है मेरे भाई। शुरू के 100 सब्सक्राइबर करना बहुत टफ होता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करो 1000 में। यानी कि अगर आपके शुरू में अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं या 100 सब्सक्राइबर है, 20-30 व्यूज आ रहा है, इसका मतलब आपके लिए बढ़िया है। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर है, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है और आपकी वीडियो पे 200-300 व्यूज आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। आप घबराओ मत, आप डरो मत, आप बस सिर्फ काम करो। इस से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं बेसिक नॉलेज के साथ और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सब्सक्राइबर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे हम किसी को रैंडमली 1000 सब्सक्राइबर भी गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।